हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप अपने थंबनेल में देखा हुआ है गाइस, तो मैं आज का वीडियो जो हमारा आज का वीडियो है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ये डीसी पावर केबल होगा, एंड्रॉयड बूट केबल होगा आपके पास, तो कहीं ये ख़राब हो जाता है तो आप इसे फेंक देते होंगे। अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये 1200 से 1500 के बीच में होता है, हज़ार रुपये से 1500 के बीच में ये होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये सडनली ख़राब हो जाता है तो हम इस वायर को फेंक देते हैं गाइस, पर ऐसा नहीं है। इसको आप एक बार रिपेयर भी करके देख सकते हैं कि गाइस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिपेयर हो सकता है नहीं हो सकता, कहीं प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो गाइज, ऐसा आपको फेंकना नहीं है, एक बार उसको प्रॉब्लम्स को देख लेना है और प्रॉब्लम्स उसको सोल्यूशन भी हो सकता है। एक मैंने आपके सामने खोल के रखा हुआ है, एक पैक है, दोनों ही सेम प्रॉब्लम है। पहले आपको मैं प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो गाइज, जैसे कि हमने देखो डीसी, यहाँ से इसको कनेक्ट किया तो ये ऑटो बीप आ रहा है, मतलब कहीं से वायर भी टच नहीं है। अगर हम इसकी वायरिंग की बात करें तो वायर भी एकदम फ्रेश है गाइज। अब मैं दूसरे वाले को भी टच करके दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो गाइज देख सकते हैं, ये भी हमारा जैसे हमने लगाया वैसे आपको बीप एक साउंड सुनाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, जो ये प्रॉब्लम था मैंने दिखा दिया कि जैसे आप जैसे आपने डीसी को लगाया, डीसी में लगाते ही बीप का साउंड अगर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो आपका सर्किट है गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका ये सर्किट है आपका ये शॉर्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो चुकी है गाइज। तो मैंने जब चेक किया सारे कैपेसिटर, यहाँ पर आपने जैसे जो भी कॉम्पोनेंट लगे हैं, आपको क्या करना है, वन बाई वन करके चेक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, तो मैंने जब यहाँ पर चेक किया तो सारे कॉम्पोनेंट तो सही थे, फिर आईसी को भी आपको चेक करना है गाइज कि ये सही है कि नहीं है। तो पर्टिकुलर मुझे तो पता नहीं था कि ग्राउंड भी हो सकता है आईसी का, तो हमारे पास दो बोर्ड था गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और भी स्क्रैप बोर्ड है यहाँ पे। तो जो हमने इस स्क्रैप बोर्ड का देखा, तो यहाँ पे देखा तो ये वाली आईसी, जो ये वाली आईसी लगी हुई ऊपर, ये पूरी लाइन इसकी सही थी, और यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे शॉर्टिंग थी गाइज। तो हम इसको निकालते हैं, क्योंकि इसको इस आईसी को हमने निकाला। आपका कोई एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये आईसी निकालो और आपका जॉब डन हो जाएगा, नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक और है, ये भी आपके सामने हम लाइव खोलेंगे और इसको भी हम दिखाएंगे कि इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि कहीं और से प्रॉब्लम है गाइज। तो बेसिकली जब हमने चेक किया तो सारे कॉम्पोनेंट यहाँ पे सही थे, कोई भी शॉर्ट नहीं था। अगर कोई शॉर्ट होने के कारण भी आपका ये बीप साउंड बता सकता है, तो हम इस आईसी को रिमूव करेंगे और देखेंगे कि, क्योंकि जब हमने चेक किया तो यहाँ पर भी बीप हमारा आ रहा था, दो तीन बीप आ रहा था, और ये वाली आईसी सही थी। तो चलिए इस आईसी को हम एक बार रिमूव करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है गाइज। तो गाइज, जब हमने डायग्नोस किया कि ये वाली आईसी बीप आ रही थी, तो मैंने इस आईसी को हटा दिया। इस आईसी को जैसे हमने रिमूव किया गाइज, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, इस आईसी को हमने रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद अब देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता। ऐसे हमारे पास एक और रखा हुआ है, इसको भी हम लाइव डायग्नोस करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिलहाल ये एक छोटा सा वीडियो था कि अगर आपका कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं आप इसको फेंको ना, तो बेसिकली, और ये शॉर्टिंग था इस आईसी के पैड पे। फिर अब हम अभी चेक करेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, फिर इसको भी हम लाइव अभी खोलेंगे आपको, और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आप फेको नहीं, अगर आप एक भी बन जाता है तो आपके 1000-1200 बच जाएंगे गाइस। तो चलिए फटाफट हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने जब चेक किया सारा कुछ ओके, फिर हमने इस आईसी को देखा तो आईसी यहाँ पे तीन लाइन पे बीप आ रहा था, तो मैंने आईसी रिमूव किया तो वो शॉर्टिंग तो हट गई है। तो चलिए फटाफट अब हम देखते हैं गाइस कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो गाइस चलिए यहाँ पे, तो गाइस देखिए, ये वही बोर्ड है जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे कोई भी बीप और साउंड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है गाइस, मतलब ये आईसी निकालने वाला यही बोर्ड है जो हमने आपको खोला हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई भी बीप और साउंड सुनने को नहीं मिल रहा, मतलब प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मैं आपको प्लस माइनस टच करके भी दिखाऊंगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आपके पास आईसी स्पेयर में है तो आप ये आईसी डाल सकते हो, नहीं तो आप क्या करना है, एक बार मैं प्लस माइनस चेक करूंगा कि कहीं ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है गाइस, ये भी आपको प्रूफ होना चाहिए। चलिए टच करिए, दिखाइए। तो देख सकते हैं गाइस ये वर्किंग कर रहा है, आप मल्टीमीटर में भी देख सकते हो यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, हटा दीजिए। तो गाइज ये हो चुका है, अब एक हम दूसरा भी यही करके देख लेते हैं, अगर उसमें भी सेम प्रॉब्लम होगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तक के लिए वीडियो यहीं तक, और आगे अगर देखते हैं गाइज, अगर हो जाता है तो दूसरे को भी खोलते हैं, उसको भी हम डायग्नोस आपके सामने लाइव करते हैं। अभी तक के लिए वीडियो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख ही सकते गाइस, जैसे हमने खोला हुआ है, इसकी कंडीशन को ही आप देख सकते हैं, इसकी हालत को ही आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका हालत ऑलरेडी डैमेज्ड है।
तो गाइज जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन किया, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। तो आईसी की हालत ही आप ऑलरेडी देख सकते हो, आईसी बुरी तरीके से जल चुकी है जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। तो आपके सामने आईसी को हम लाइव हटाते हैं, और हटाने के बाद पहले आपको कुछ चेकिंग देख लेते हैं कि कहीं आसपास की शॉर्टिंग तो नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको दिखा दिया था, ये देखिए मैं जब चेक कर रहा हूँ इतनी सारे बीप मिल रहा है, इतनी बीप अभी नहीं आनी चाहिए। अब कंप्लेंट भी चेक कर लेते हैं, कंप्लेंट पे भी देख लेते हैं, कंप्लेंट पे यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने सारे कंप्लेंट आपके सामने लाइव चेक कर लिया, मेन है ये। तो चलिए इस आईसी को रिमूव करते हैं और आपको हम दिखाते हैं गाइस। मैंने पहले आपको डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया था, आपको लग रहा होगा फेक होगा, पर आपके सामने मैंने खोला है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हो। चलिए फटाफट हम इसको निकालते हैं। अब देख सकते हैं गाइस अभी शॉर्टिंग हट चुकी है, जहाँ पे ये 3 पे बीप आ रहा था अब यहाँ पे शॉर्टिंग हट चुकी है। अब देखते हैं गाइस कि हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर से एक बार आपको डीसी में चेक कराता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं इतना मतलब जलने के कारण भी वो आई सी हमने रिमूव किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। ये पीसीबी की कंडीशन आप देख सकते हो कितनी ख़त्म कंडीशन हो गई है, फिर भी हमने उसको सुधारने की कोशिश की और उसको रिमूव किया, क्लीनिंग किया, वहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी, फिर शॉर्टिंग भी हटाया। आपने देखा गाइस कि मतलब ये जो ओवरऑल आप देख सकते हो कितना मतलब आपका पैसा बच सकता है। अब वही फिर से ऊपर करिए, प्लस माइनस को ऊपर करिए और टच करके दिखाइए क्या काम कर रहा है। ये देख सकते हैं गाइस प्रॉपर वर्क कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्लस माइनस बस करिए, प्लस माइनस को हम टच कर रहे हैं और हमारा ये प्रॉपर जॉब डन काम कर रहा है। तो हमने आपको दोनों, एक हमने पहले कर दिया था, उसके बाद हमने दूसरा भी आपको दिखाया। तो मतलब ये दोनों ही आईसी जो प्रोटेक्शन के लिए हो सकती है। तो ये दोनों दो आईसी हमने आपके सामने लाइव चेंज किया, तो ये प्रॉब्लम हमारा दोनों कनेक्टर्स सही हो गए, दोनों हमारे पावर केबल सही हो गए। तो आई होप ऐसे भी आपके अगर पावर केबल सही हो जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये छोटी सी वीडियो हेल्पफुल वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।